आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश जनपद मऊ गोपागंज की। गोपागंज विकास खंड अंतर्गत ग्राम सभा काछी कला में मंगलवार को महिलाओं ने आवास के नाम पर हजारों रुपए लेने का आरोप लगाते हुए ग्राम प्रधान के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। कहा कि गरीबों के लिए सरकार ने योजना चलाकर हम गरीबों को आवास दिया है, लेकिन बिना कमीशन के लिए हम लोगों को योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। वही शिकायत के बाद भी मामले को दबा दिया जा रहा है, जिससे गलत कार्य करने वालों का मन बढ़ता जा रहा है। वही गरीब अपनी झोपड़ियों में रहने को मजबूर हो रहा है। सरकार गरीब पात्र लाभार्थियों के लिए शौचालय और आवास जैसी महत्वपूर्ण योजना चलाकर उन्हें समाज में सम्मान के साथ जीने के लिए कटिबद्ध है। बावजूद इसके अभी अधिकांश लोग योजना से वंचित हो जा रहे हैं। इसके पीछे खुलकर आ रहा है कमीशन। सभी योजनाओं में बिना कमीशन के गरीब को योजना का लाभ नहीं मिल रहा, जिसकी शिकायत ब्लॉक से लेकर जिला के उच्चाधिकारियों को मिलती है, लेकिन मामला जस का तस छोड़ दिया जाता है। ऐसा ही मामला मंगलवार को ब्लॉक की काछी कला में आया, जहां दर्जनों महिलाओं ने आरोप लगाते हुए कि आवास लेने के नाम पर ग्राम प्रधान द्वारा 10,000 रुपया प्रति व्यक्ति मांगा जा रहा है। जिसने दिया उसका आवास पास हो गया, जिसने देने में असमर्थता जताई वह योजना से वंचित हो गया। गांव की प्रमिला, पूनम देवी, रिंकू देवी, सरिता देवी, सुनीता, सुखिया, विमला, सुखिया सहित दर्जनों महिलाओं ने प्रदर्शन किया और मांग की हमें आवास नहीं मिला तो ब्लॉक पर धरना देने को विवश हो जाएगी, जिसकी जिम्मेदारी सूची में चला पैसा लगा था। सूची में ना जो 55 गांव के जन पैसा दिला ये हम तो दिल जमा जानकारी रहला, लेकिन जन आने रहले 55 रुपया सूची में ना चला दे दे लो। काहे 55 रुपया दे देली अब मतलब डर रख भाई सूची में ना कर जन पर जनानी है सर कोई डरवा दे भाई सूची में ना चोक बदले मैं ना कर जाई। अच्छा ये बतावा कि तुम लोग कमाए जाला ना? हाँ कमा के आला औरतन के पैसा दे देता हुआ आई औरतन के प्रधान लोग बाला के जो 500 रुपया ले लेता हूँ है ना। तो जो उसने जाला सबसे थोड़े लेते हो सबसे ना लेते हो जो उसने बा उसने जाके दिया होता डर की मार। कुछ औरतन से हम बात करत थे ये गंदगी कितना काफी गंदगी लगल आई गंदगी के कारण हाँ लोगन के डेंगू जैसा बीमारी पकड़ लेते तो सीधे हॉस्पिटल में जाए के पड़ता। हॉस्पिटल में कहाँ जाए के पड़ता ये लेके है बीमारिया से कोई बचत ना आ मच्छर इतना काटत हुए ना कि लोग परेशान हो गए हमें आ ये गांव का लोग जो है ना ये समझ ना पावत हमें आ जब चुनाव जब आवत तो लोगन के जो ना दारू मुर्गा कपड़ा छागल नथिया यानी जो ना लाली जो ना तरह तरह के दे के आ जनता के जो ना बरगला दिल जाता आ जनता वही में जो ना प्रधान के दरबार लगावे शुरू करता तो प्रधान करिए का अपन मनमानी करबे करिए लुटिए ना तो करिए का ये लिए कि अगर ये लोग जाइए तो कहिए कि ऐसा ना कि तुमके जो है ना पैसा तो के दिले रही है तब तू हमके वोट दिले रहा कि तोहरी कहें समस्या बा न हमारी के बहुत समस्या का हमारी ये समस्या है कि हमारे नाली भी सब खत्म है ना के ऊ बनवावत प्रधान आ फिर हमने का आवास भी ना ले देता फिर हमने का प्रधान होते हम से तो आत हम से देव 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 और बात फिर कहत हम से कि तू का दे ले हो कि हम दे। अच्छा ये बतावा कि तू का दे ले हो हाँ हम तो के वो चीज़ दे दे ले हैं जो ना अपना अधिकार दे दे ले हैं आ तो के जो ना तो के हम जो दे ले हैं हाँ तो वही से चुनाव जीता ला हाँ तो कहत हलो कि तुम लोग का दे ले हो हमने का ना दे ले हो वोट ना दे ले हो वोट अबे ना दे ले हो उनकी दुआरे गईली जब चुनाव जब आए ले तब प्रधान जी तुहू के देले रहना कुछ पैसा हम के ना पैसा वैसा देले रहना हम बिना पैसा कहे हम के ऊपर पैसा के तू वोट दे दे लू हम वोट दे ला बाकी ना ई आवास हम तो कहत हम कि हम तो के आवास दे तो हर नाली बनवा दे कब कब हर प्रधान के गोली नाली बनवावे खातिर नाली ना बनौना कहला कि अब पटिया ढलवा दे ओहो ना कैला तो प्रधान तो नलिया बनाइए काहे के नलिया ए लिए ना तोर बनावत हमे कि उनकर तो गौवा जो ना नाली बन गए बा हो जाए शौचालय बन गए बा ऊ तो अपन जो है ना
हे नरकवा में तू जेला। हाँ तो अपना सीसी जोड़वा ले बाना। सीसी जोड़वा ले हाँ, सब जब भले अच्छा लोगन के चुनाव ना करूं हाँ। तब तक के ही तक तो लोग को सोचा रोक के अच्छा हमने का बनावल जा सब तब भुयार प्रधान हो थमा चमार प्रधान हो थमा ये कुल हो थमा सब लालच धरा धरा के हमने के आ सब हमने के बोरा थमा कर राजभर ना भयल लच ए मार राजभर के ना राजभर के उठावते ना आ ना के उठाता त के देतो ना को देत ना कोई ना देत ना कहीं काफी पीड़ा हां यही में भड़का लेत हम आदमी भड़का लेत हम हां यही में भड़का लेत हम आदमी आ भड़का के आ नान जात के उठवे ना एगो हयो तो के मांगा तो वोट तो के देते ना के यानी ये लेना देत हां कि पहले सेटिंग हो जाता हां पहले सेटिंग हो जाता सेटिंग के बाद जो ना वो पहले लोगन के जान जान तो के बिके वाला गांव गांव घूम के गांव गांव घूम के नथिया देत हम के पैसा देत हम के झूला नहीं देत हम वो तने में सब गायब आज निराला रहता वो के कुछ ना मिला था ना हमारा नाली बना था ना हमने का घर देखा था भाई देखिए ये जो है ये कटरेन डाल के ईटा से जोड़ के ये घर बनावल गया आई घर कहाँ बनावल गया ये घरवा में रहे खातिर आ यहाँ का कंडीशन पहले घरवा का देखा कि घरवा में कैसे लोग रहते हुए जब बारिश आवत हुई आ कहीं अगर जोर से अगर आंधी आवत हुई तो डोर बनल रहत हुई कि कहीं ये जो ना ढह मच जाए आ ढह जाइ तो यहाँ दबा के कुचल के आदमी मर जाइए घर बनल है ये देखा खाना बनता है कटरेन डाल के आ ईटा से जोड़ल है आ यही ग्राम सभा का प्रधान लोग हमें आ चुनाव जीतले के बाद ये गरीबन पर ध्यान ना दिहल जाता काहे ना दिहल जाता कि गरीबन के पहले ही जो न ये लोग जो न बहला फुसला के आ इन्हन के समझा देते हमें आ जब वोट का बारी आवत है न तो इनके जो न पैसा कौड़ी गहना सब दे के आ इन लोग के बरगला दे जात अब ये देखिए ये घर बना हुआ है आ घर का कंडीशन आप देखिए और खाना कैसे लोग बना रहे हैं आप देख सकते हैं ये जो ईटा का जो डाल के दीवार आ एक जो है ये जो खाना बनावत हो यही में जाके रहते हुई हैं आ जब बारिश आवत हुई ना तो बारिश में पूरा चुवत हुई आ एक करवट वो करवट बदलत हुई है सियाना बना हुआ है घर का और किस तरह से बना हुआ एक मड़ई डाल के आइए कड़कट डाला गया है और वहीं पे खाना बना जब बारिश जब आवत हुई ताई पानी पूरा भर जाता है ना ये महिला जो खाना बना रही हैं आए खाना कहाँ बना रही हैं ये बिल्डिंग में खाना बना रही हैं ये इनका बिल्डिंग है और ये देख रहे हैं ना कटरा डाल के रह रही हैं और यहाँ पे देखिए बाहर में खाना बना रही है आ जब बारिश जब आवत हुई तो कैसे खाना बनाते कैसे खियावत हुई हैं पहले तो हम पूछत हैं तहीं से खेर आईबू का नाम है तुहार अंजलि ये बतावा कि कहाँ बहरे खाना बनावत हो घर में ना बनावे जगह जगह का जगह नहीं है जगह नहीं खे अच्छा बारिश आते तो कैसे बनावत है ये जन तिरपाल डाल के छाता ओढ़ के तिरपाल डाल के बनावत है तो प्रधान लोग क्या करते हैं प्रधान हम लोग को नहीं देते हैं आवास ना देते हैं नहीं कुछ भी नहीं देते हैं 500 रुपया लेके खा गए अच्छा 500 रुपया ले ला के ले ला नौका प्रधान चमारा अच्छा अच्छा नौका प्रधान पैसा ले ला पैसा लेके खा गई ला मगर आवास को उम्मीद ना कि आवास मिली नहीं वो कहेंगे हम नहीं देते हैं दिख रहे हैं ना एक और घर दिखा रहे हैं आपको ये कितना बढ़िया से जो पूरा दीवार जो जोड़ा हुआ है और दीवार के बारे में बता दें कि अगर थोड़ा सा एक अगर थोड़ा सा धक्का मार देंगे ना तो नीचे गिर जाएगा हाँ लोग इसी में लोग रहते होंगे यहाँ जो है औरतें जो है किस तरह से यहाँ पर स्नान घर बनाई हैं यहीं पर बर्तन माँजती होंगी यहीं पर जो है नहाती होंगी और खुले में नहाती हैं मगर जब आवास मिल जाता ना तो इनका पूरा व्यवस्था हो जाता मगर आवास ना मिलत काहे ना मिलत ये लेकिन इनके जो ना सीधे ब्लैकमेल कर दिया जाता कहल जाता कि सूची में तुम्हारा नाम पड़ल मगर सूची से नाम कट जाता आ काहे कट जाता अक्सर जो ना जो पात्र हमें ना उन्होंने का नमवा कटत आ जे ना पात्र में है जेकर घर बनल ओकर जो ना सबसे पहले वो गरीब है पहले ओकर जो ना चढ़ जाता आ यही देखिए घर है और कितना बढ़िया जो फाटक लगा हुआ है जो दरवाज़ा होता है यही लसान जो है दरवाज़ा लगा हुआ है आप पहले दरवाज़ा की स्थिति देख लीजिए ये दरवाज़ा देख रहे हैं ना आ इनका खाना कहाँ बनता होगा इसी में बेचारी खाना बनाती होंगी यही में जो खाती होंगी और देखिए ये कटरा है कटरेन डाल के निवास करती हैं और यहाँ पर देखा जाए कि गाँव में काफ़ी विकास हुआ है आई योगी जी बोलत हमें कि गाँव के विकास के लिए जो है ग्रामीणों में काफ़ी जो है उन्होंने योजना भी दिए हैं और जो है धन भी दिए हैं कि ताकि ग्राम सभा के योजना के तहत जो है
यहाँ पे विकास कार्य हो सके? ना आवास ना मिलल, आवास ना मिलल ना। तब तो प्रधान जी से कहबो कहीं ना शौचालय हो ना मिलल, प्रधान जी से कहबो कहीं तो कहीं आई आई फिर सूची में नाम डाले खातिर पैसो दियनी तभी भी ना आई। कितना पैसा दिलू? 500 रुपया। तो सूची में नाम डाले खातिर 500 रुपया? हाँ सूची में नाम डाले खातिर। जब 500 रुपया जब सूची में नाम डाले के दिहल है तो जब आवास जब पास हो गल तब कितना पैसा ली? हाँ तो वे मांगे ना 20,000। अच्छा जब पास हो जाए तो 20,000 रुपया। आ 1,20,000 आवे वाला? हाँ तो 20,000 ले लें, 1,00,000 दिए। तो 1,00,000 रुपया जो तो के दी है तो 1,00,000 रुपया में नहीं भरेबू कि हाई बनेबू आ कि घर बनवेबू? अभी तो वो ना ना मिलत बा जोन वो जो ना खाली तो के बस बरगलावल जात वो ना दिक्कत काफी है ना। क्या बेती एती लइकन के लेके गुजारा करत बनी तभी भी तो सोचे के चाहिए ना। दुगो दुगो लइका है? हां एगो बाबू एगो बहिनी, बस दो ही गो है। हां आ कैसे जोन गुजर बसर कैसे होत होई? अब ओइंगन ना भाई ओइंगन ना करत है देख ले जा। पति हवे ना तोरे? ना पति ना है, बस खाली अकेले तू ही हो। हां बस दुगो लइकन के संभालत हो। हां और कोनो कमाई का कोनो जरिया है? नहीं क्यों ना भी नहीं है। आप तीन कुछ दिन पहले जो है इस पार हो गए। इस पार काहे हो गए? बीमारी के कारण। और यही नहीं यहाँ पे जो है पैसे के वजह से, पैसे के अभाव से उनका इलाज सही नहीं हो पाया। और जब इलाज नहीं हुआ ना तो बेचारे अपना दम तोड़ दिए। इस औरत को देखिए, वो तो चले गए मगर ये औरत जो है किस तरह अपना दो बच्चों को लेकर गुजर बसर कर रही है। और जो है कैसे कैसे करते होंगे आप सोच सकते हैं कि एक औरत को अपना जीवन पेट पालना यापन करना बहुत दुखद है। आ कितना जो है इसके जब संसार ही उजड़ गया तो किस तरह से काम करते होंगे। और कैसे यहाँ पे यहाँ के जो प्रधान है ना, प्रधान सब चोर हो गए हैं। अब प्रधान चोर नहीं हैं, यहाँ के सेक्रेटरी भी चोर हैं। ये लिए कि योजना जब यावत ही है तब प्रधान आई सेक्रेटरी दोनों मिल के अपने में बंटवारा कर लेते हुए। आ जब बंटवारा कर लेते हुए ना तो गाँव का विकास कैसे करिए? ये अपन पहले पेट भरी हैं कि पहले गाँव का विकास करिए? आ जब विकास जब जब आवास जब आ जाता तब असो में काम का करते हमें कि 20,000 रुपया पहले भजा लेते हमें। जब 20,000 तब ले लेते हमें, 1,00,000 रुपया देते हमें। 1,00,000 रुपया में कोई घर बनवाएगा कि क्या करेगा? मगर वो भी जो है ना बहुत पापड़ बेलने के बाद यहाँ पर लोगों के आवास